जैसे युद्ध ने कहा कि चुनाव मैंने जनता से लड़ा, चुनाव से प्रत्याशियों ने लड़ा, कार्यकर्ताओं ने लड़ा। शिकायत की कि जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रात को मिलकर के सुबह वोटिंग दूसरी जगह, जो जिसके मन में अगर वोट है, ये पावन और पवित्र भूमि अभी चला जाए उसके बाद चाहे बीजेपी का झंडा हमारे ही कार्यकर्ता के पास, उसके रिश्तेदार को लाएंगे, जीजा के मामा के फूफा को ले आएंगे सुबह वोट का सत्यानाश करके। आपकी राय सर्वश्रेष्ठ होगी, लेकिन आप राय दे तो अपने मन को मजबूत बना करके दे कि हाँ हम प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व वो फैसला करेगा, लेकिन फैसले के बाद में आप बदले नहीं। ये चुनाव जैसा कि मीडिया भी बात करते हैं और आम जन जैसा कहा कि चुनाव मैंने जनता से लड़ा, चुनाव से प्रत्याशियों ने लड़ा, कार्यकर्ताओं ने लड़ा, और आपने जो बताया कि मेरी जाति का भी समीकरण देखें और आप सबकी राय भी लें, आप में से अलग भी कोई अगर अपनी राय देना चाहता है तो वो भी मैं सुनने के लिए। और जो आपने कहा कि जिन्होंने मुझे शिकायत की कि जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रात को मिल करके सुबह वोटिंग दूसरी जगह कर, ऐसे जो भी कार्यकर्ता है या जो पहले से कोई भी है और वो आज भी इस तरीके की अगर पुरातत्व करता है तो उसका नाम लिख करके दे दे। मैं तो ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं जाते ही प्रदेश अध्यक्ष उनको सौंपूंगी कि इन्हें पहले हटाइए तभी वहाँ पर काम। कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही विस्तृत और बहुत बड़े आकार की पार्टी, और वो पार्टी जिसने आज जो भाषण दे रहे हैं बड़े बड़े कि वही कहते थे न्यू इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, नया भारत बनाएंगे, भारत तो कांग्रेस पार्टी की सरकारें बना चुकी थी। जिस स्तंभ पे लाकर के भारत को कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने लाकर के खड़ा किया तो पूरे वर्ल्ड भारत देश से डरता था। आपने कहानियों में, किताबों में, ग्रंथों में पढ़ा होगा कि इतनी सेनाओं को, हजारों सेनाओं को घुटने टिकवा दिए, हथियार टिकवा दिए, लेकिन वो आज के युग में हमारी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कसम खाया था तो पड़ोसी देशों को भी भय था, लेकिन आज क्यों नहीं? आज बोल बोल करके किस तरीके से जो देश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है। बाकी आप ये बता दें कि कौन सी एक योजना है जो कि गांव और ढाणी तक पहुंच रही है वर्तमान भारत सरकार, और कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो योजना, चाहे पिछली हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना एक एक बनाई वो हो, या हमारे देश की योजनाएं हो, आप सबसे बड़ी योजना मेडिकल की जो योजना है, चिरंजीवी जो योजना, ऐसी योजना और नरेगा योजना पूरे भारत देश के कोने कोने को टच कर रही, मुझे बता दीजिए कौन सी किसान की आय दुगनी हो गई या बेरोजगारी खत्म हो गई, कौन सा क्या काम हो गया? एक दिन पहले आते हैं, अरे नहीं ये तो भगवान राम के विरोधी है। मुझे ऐसा बता दीजिए कि ऐसी जगह कौन सी है संसार में जहां हवा नहीं है, तो ऐसा हृदय कौन सा है जिसमें कि उसका इष्ट देव नहीं है? कोई ना, आपके यहाँ विश्वास रूपक जी की इतनी बड़ी एक मूर्ति बनाई गई है, देखते मुझे बता दीजिए कौन सा सर ऐसा है जो ऑटोमेटिक नहीं झुकेगा, गाड़ी में बैठा व्यक्ति भी ऐसे करता है, आप एक दिन में खड़े होकर के देख लीजिए जिसके दिल में भावना नहीं है। नाथ द्वारा जाकर के देखिए कितने लोग आ रहे हैं, और कई लोग तो इतने भावुक होते हैं वो कहते हैं कि मैडम आप देखिए दिन में चार बार दर्शन कीजिए, चार बार में भाव बदलेगा। तो देखने की व्यक्ति की इच्छा क्या है, उसकी भावना क्या है, जाकी रही भावना जैसी मूर्ति तीन देखी तैसी, तो जैसी जिसकी भावना होती है, लेकिन उनको किसी से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ राजनीति के लिए, वोटों के लिए।
हमारे ही कार्यकर्ता के पास में उसके रिश्तेदार को लाएंगे, जीजा के मामा के फूफा को ले आएंगे, सुबह वोट का सत्यानाश करते चलेंगे। चाहे मैं हूँ चाहे और मेरी साथी प्रतिया सिंह, इस चुनाव में जो और अब जो माहौल कर रहे हैं, तो क्या इसके पास नहीं है? आप सबके दिल में भारत देश में तो पूरे में वो जो पहले जो सीता और राम बने थे वही बसे हुए, अरुण गोविंद और दीपी। चाहे आप कितने भी पिक्चर चलाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन राम की तस्वीर, सीता की तस्वीर वही आती है। तो क्यों आती है दिमाग में? क्योंकि वो अपने अंदर अपन ने देखा है, उसको महसूस किया है। तो अब ये वही दिखा देते प्रचार में, ये भगवान भगवान राम को कौन नहीं मानता, लेकिन उस माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। आप सब मजबूती से कहें कि हाँ हम जिता करके भेजेंगे यहाँ से प्रतिया सिंह को, तो आपका सम्मान भी रहेगा, मेरा सम्मान भी रहेगा। जो जिसके मन में अगर खून है, ये पावन और पवित्र भूमि अभी चला जाए, उठ के बाहर चाहे बीजेपी का झंडा चला जाए बाहर, मैं जवाब दूंगी पार्टी को, दो देना। जिसके मन में खसक है कि मैं तो नहीं रहना चाहता, नहीं प्रचार करूंगा, नहीं ये करूंगा, मैं तो वोट भी दूसरी तरफ करूंगा और भी रिश्तेदारों को कराऊंगा, तो वो तो अभी चाहे जाए झंडा थाम ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको कोई नौरे खाने नहीं आए, कोई नहीं आने वाला। और कोई पूछेगा मुझसे कि आपने कैसे किया बात, तो उसका जवाब मैं दूंगा। ये इतने कार्यकर्ता होने के बाद में जो हमारे भाई टिकट मांग रहे हैं, अभी जैसा वैभव सिंह जी, मनीष जी और कार्तिक जी ने जोश में जैसे बोला, ये जोश हर जगह वहां तक पहुंचे, उन तक अपना ये जोश पहुंचे भी। हमारे यहाँ से सीनियर लीडर है सीपी जोशी जी, और चुनाव लड़े हमारे जोशी साहब लड़े, सुदर्शन जी भी, विजय पाल मिर्धा जी भी, पारस जी, योगेंद्र, शिवराम नारायण सिंह जी, ये सारे चुनाव लड़े। क्या कांग्रेस पार्टी की योजना अच्छी नहीं थी? क्यों हॉस्पिटल में जाकर के पूछते हैं चिरंजीवी योजना में हमें किडनी चेंज करानी है, या हार्ट में हमें स्टेंट डलवाना है, क्यों पूछते हैं? लेकिन जनता ने करारा जवाब दिया, मंत्री को हराया ना वहां पर, इन्होंने सोचा कि मंत्री बनाने से वोट मिल जाएंगे, लेकिन जनता ने। तो आप में के अंदर भी वो ताकत है, जब वो मंत्री को वापस भेज सकते हैं, तो आप भी बीजेपी के प्रत्याशी को वापस भेज सकते हैं। मैं तो इतना कर सकती हूँ कि अगर आप जिता करके भेजेंगे तो वो सांसद आपकी नहीं सुनेगा, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, उसका कान पकड़ के, चाहे छोटा हो बड़ा, कान पकड़ के आपको। लेकिन आप मन से ही बना लें, ऐसा नहीं ये कर दिया वो फलाने ने, वो कर दिया उसने, वो कर दिया, अगर बांटते रहोगे तो फिर आपकी राय सर्वश्रेष्ठ होगी। लेकिन आप राय दे तो अपने मन को मजबूत बना करके दे कि हाँ हम प्रचार प्रसार करेंगे और जोर शोर से कांग्रेस पार्टी को जिताने का आज हम यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं। किसी भी जोशी जी ने क्या, उन्होंने एक एक काम को ऐसे किया, अगर विधेयक भी वहां पर सिद्धनाथ जी का जो पेश होना था, तो उन्होंने कहा कि जैसे कहे वैसे करें। अब बताइए क्या कौन सा काम पेंडिंग है? सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने का काम पेंडिंग है, झूठी भाषणबाजी करने का काम पेंडिंग है। लेकिन आप ऐसा नहीं समझे, कृपया करके प्रत्याशी हम, हमारे नजरिए से हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व वो फैसला करेगा, लेकिन फैसले के बाद में आप बदले नहीं, और बदलने वालों की सूची मुझे दे देना, अपन उनको बिठा देने का। तो ये नहीं बदलने का अगर आप संकल्प ले लेंगे तो पक्का चुनाव जीतेंगे। मुझे नहीं लगेगा कि हाँ कोई राजसमंद से चुनाव, ये नहीं, नहीं साहब वो तो कह रहा है वो राजा वाली कांड कि भाई राजा ने प्याऊ वाली माता जी से पूछा
कि माता जी राजा कैसा है यहाँ का, अरे बहुत बुरा है। बोले प्याऊ किसने लगवाई है, महाराज साहब ने लगवाई। आपको तनख्वाह कौन देता है, गुरु महाराज साहब देते। आपको रहने की जगह किसने दी है, गुरु महाराज साहब। आपका खाने पीने की व्यवस्था बच्चों की कौन करता है, महाराज साहब की वजह से सारा काम पूरा सुव्यवस्थित हो रहा है। तो बोला आप बुरा क्यों बता रही है, और जो पानी पीने आया वो हर आदमी राजा बुरा राजा बुरा राजा बुरा, तो बुरा हाल होता क्या है। मुझे भी ये समझ में, मैंने कहा कि सब एक उसमें चल पड़े, अरे आप तो इंसान हो, जागो थोड़ा बहुत, और एक दिन ये देख लेना कि बीजेपी किस कगार पे ला करके भारत देश को खड़ा कर देगी, बर्बादी की कगार पे, लेकिन सुधारेगी कांग्रेस पार्टी सुधार सकती। अलविदा, यहाँ का चुनाव होता है, आप में से जो मजबूत है आप मुझे 20 या 10 आदमियों की लिस्ट दे देना, यहाँ का चुनाव अलविदा नहीं सर्वेला करके दूंगा। वास्तव में कहते तो ऐसे है, कहावत चली आ रही है कि भाई मर्दों की बात में फर्क नहीं आता, पर मैं तो उम्र आप देखो तो मर्दा की बात में फर्क आ रही है, तो ये कि मैं बेटू को ना तो आप मुझे ऐसा ऐसे जो मजबूत है लिस्ट दे दें। और आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि भाई अब आदमी ने खड़ो ना करा तो किस श्रीनाथ जी ने खड़ो करा, उन्हें हम तो वोट कौन दोगा, जो गवर्नर राम जी ने उन्हीं से लाओ अयोध्या से श्रीनाथ जी ने कौन दोगे। ये इस तरीके की भावना को आप बदलें और चर्चा करें, बैठ कर संकोच नहीं करें, चर्चा करें, बहस करें, भगवान राम आपके साथ खड़े तो आप इन चीजों को समझें और महसूस करें। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।